नेशनल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं और हमारे साथ एक फ्रेंड बैठा हुआ है हमारा, और वो बताएगा कि कॉलेज कैसा है उसके बारे में जानेंगे, कॉलेज के बारे में कुछ कुछ इनसे बात करेंगे, प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे, कॉलेज लाइफ के बारे में बात करेंगे। एंड रिदम, कैसा लग रहा है कॉलेज आके? हेलो सर। हेलो। कॉलेज आके मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैं हरिद्वार से आया हूँ यहाँ पे। अच्छा। गूगल पर मैंने सर्च किया था कॉलेज, तो ये पर्टिकुलर मैनेजमेंट का कॉलेज है, इसलिए मैंने कॉलेज चूज करा है। अच्छा, मैनेजमेंट का कॉलेज है और आपने चूज किया, ठीक है। तो आपने गूगल से सर्च करके ये सारी चीजें देखी है, ठीक है। फैकल्टीज फैकल्टीज जो है कॉलेज की, वो बहुत बेस्ट है। अच्छे सब टीचर्स हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत ज्यादा करियर के लिए भी बहुत मदद करते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम्स होते हैं हमारे तरफ से, मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसमें हमारा करियर बिल्डिंग होता है। ओके। और मैनेजमेंट एक्टिविटीज होती हैं। ओके। तो उसमें टीचर बहुत हेल्प करते हैं। ओके ओके, ये अच्छी बात है। और मतलब मेंटरशिप प्रोग्राम्स हो गए तो फिर तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई इसकी। ये अच्छी बात है। और ठीक है, और कॉलेज कैंपस लाइफ कैसा लगता है तुमको? कैंपस जो है वो बहुत फ्रेंडली है, कैंपस की लाइफ अच्छी है। अच्छा। और नेचर अच्छा है यहाँ का। ओके। बैंगलोर का भी बहुत अच्छा वैसे नेचर है। हाँ। और जिस तरह से बिल्ट है कैंपस, तो कैंपस जो कल्चर के बारे में बताओ रिदम, कैसा है फूड का जो है यहाँ पे? मैं बेसिकली नॉर्थ इंडिया से हूँ, तो वहाँ पे नॉर्थ इंडियन डजंट प्रेफर राइस एंड साउथ इंडियन प्रेफर राइस तो एंड इडली डोसा, तो फूड का थोड़ा प्रॉब्लम होता है लेकिन एडजस्ट हो जाता है। अच्छा फूड है यहाँ का भी। अच्छा अच्छा, तो फूड भी एडजस्ट हो जाता है। फूड भी एडजस्ट हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है यार कि प्लेसमेंट्स की, क्योंकि आप बाहर से आए हो है ना, और आपने ये कॉलेज चूज किया, तो प्लेसमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताओ कि क्या आपको पता चला सीनियर से और क्या कॉलेज के बारे में? तो हर कोई अगर बड़े शहर में बड़े कॉलेज के लिए आता है तो वो प्लेसमेंट ही देखता है। ओके ओके। तो लेकिन यहाँ पे मेरे को पता चला कि प्लेसमेंट जो है वो कम्युनिकेशन और अपनी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। तो जितना तुमने सीखा उस हिसाब से प्लेसमेंट मिलेगा, चाहे कोई भी कॉलेज हो। ओके। कॉर्पोरेट लाइफ में ये मैंने यहाँ पे आके सीखा है। और यहाँ पे सीनियर्स वगैरह प्लेसमेंट्स के बारे में कैसे बताया? सीनियर लोगों ने बताया कि यहाँ पे टीचर्स भी बहुत मदद करते हैं प्लेसमेंट में, और प्लेसमेंट रिकॉर्ड अभी RCM का ठीक चल रहा है। ओके ओके। तो कुछ फिगर आप अगर डिस्कस कर सको कि प्लेसमेंट का अगर कितना गया है, क्या हाईएस्ट या एवरेज पैकेज जाता है कॉलेज का? सीनियर्स और टीचर्स से जो हमें पता चला है वो 6 to 8 lakhs का पैकेज मिनिमम चला रहता है। एवरेज पैकेज 8 lakh के आसपास से जाता है, ठीक है। और मोर देन 10 lakhs हाईएस्ट पैकेज जो ज्यादा चला जाता है, ये चीज है। ओके ठीक है, मतलब प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। प्लेसमेंट अच्छा है, ठीक है।